थैंक यू। सो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। यस, सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल कम टू लेक्चर 3.2, यानी कि यूनिट 3 में दूसरा लेक्चर। अभी आपको गूगल क्लासरूम में भी इसी तरीके से फॉर्मेट मिल रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने गामा फंक्शन को डिफाइन किया था और उसके कन्वर्जेंस के बारे में देखा था। उसके कन्वर्जेंस का प्रूफ सबको समझा कि कैसे हम लोग ने किया था। हम लोग ने गामा फंक्शन कैसे डिफाइन किया था, तो गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity ई रेस टू माइनस टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी, वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमने क्या देखा था, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 दिस गामा ऑफ टी इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी कि उसका जो आंसर होगा दैट इज नथिंग बट अ फाइनाइट नंबर। लास्ट लेक्चर के अंदर आई डोंट नो स्टूडेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट किसी एक स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा डाउट था कि सर अगर हम लोग ने बोला कि वो फाइनाइट है तो क्या वो कन्वर्जेंट हो जाता है। सो ये जो है ये रेफरेंस बुक के नोटेशन के हिसाब से जाता है। जो ऑथर होता है वो अपने हिसाब से अपने नोटेशंस देते हैं। देर वॉज अ मैं अपना स्टोरी बताऊंगा कि मैं इस चीज के साथ कैसे कनेक्टेड हूँ। कि एमएससी का टाइम था और आई वाज स्टडिंग, क्या था, प्रोबेबिलिटी थियरी या फिर कुछ, तो एक ऐसा टॉपिक था। प्रोफेसर पढ़ा रहे, प्रोफेसर ने आके बोला कि इसका मतलब क्या होता है, कि उन्होंने बोला कि एक सीरीज है, उन्होंने बोला ऐसा लिखा और फिर बोला कि हाँ ये सीरीज है जो लेस देन इंफिनिटी है, तो उसका मतलब क्या है। कि मैंने बोला कि उसका आंसर कुछ तो फाइनाइट नंबर होगा। बोलता है कि दिस लॉजिक इज करेक्ट बट मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक जब कभी भी ये नोटेशन को यूज करते हैं यानी कि लेस देन इंफिनिटी, तब उन लोग ये कहना चाहता है कि जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो चीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये एक नोटेशन हो गया कि जब कभी भी हम लोग लिखते हैं ना कि सम सीरीज या फिर कोई एक इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर हम लोग लिखते हैं कि इट इज लेस देन इंफिनिटी, यानी कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू से दैट उसका जो भी नंबर है वो एक अच्छा खासा नंबर है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली हम कहना चाहते हैं कि दैट इज नथिंग बट अ कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट इंटीग्रल या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो भी चीज हम लोग लिख रहे हैं वो एक कन्वर्जेंट चीज है, वो हम लोग लिखना चाहते हैं। तो व्हेनेवर वी राइट लेस देन इंफिनिटी उसके दो मतलब निकलता है। एक मतलब होता है कि वो एक फाइनाइट नंबर होता है, और कभी भी अगर कन्वर्जन से रिलेटेड अगर आप कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हो, जैसे कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सीरीज है, सीक्वेंस है, अगर वहां पर अगर आप लिखते हो लेस देन इंफिनिटी, तो उसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो चीज कन्वर्जेंट है। तो नोटेशन एक है लेकिन उसका मतलब अलग अलग हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं सपोज आपके कहता हूं कि एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, उसका मतलब एक्स एक फाइनाइट नंबर है। लेकिन सपोज इफ आई मैं टेल यू समेशन ऑफ एक्स एन इज लेस देन इंफिनिटी, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सीरीज है दैट इज नथिंग बट कन्वर्जेंट। तो मैं क्या करता हूँ ना, बिकॉज आई डोंट नो कि वो स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है कि नहीं है, बट जब भी वो नोट्स पढ़ेंगे तो उनको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो इफ वी राइट एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, वी मीन दैट एक्स इज अ फाइनाइट नंबर। बट इफ यू राइट सपोज सम सीरीज इज लेस देन इंफिनिटी, देन वी मीन दैट समेशन एक्स एन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बिकॉज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो कुछ तो एक नंबर होगा इसीलिए वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये लेस देन इंफिनिटी का फंडा अगर कन्वर्जन से रिलेटेड है, अगर आपके पास एक चीज है जो कहीं पर बड़ा हो सकता है बट यू आर राइटिंग इट इज लेस देन इंफिनिटी, देन यू आर ट्राइंग टू टेल दैट इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये डाउट समझ रहा है कि दोनों दोनों कंटेक्स्ट के अंदर डिफरेंस क्या हो रहा है लेस देन इंफिनिटी का। yes,
सर. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू ना, हम अभी तो देखो गामा फंक्शन पे आता, हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गामा फंक्शन का डेफिनेशन अच्छे से याद रखे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. ठीक है, तो गामा ऑफ एक्स क्या है? तो इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी. और एक चीज का याद रखेंगे हम लोग, SYBAC में जब इसको पढ़ रहा है तब हम लोग एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि रियल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो के ऊपर ही काम करेगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर ही काम करेगा. गामा फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी डिफाइंड है, लेकिन वहां पर भी आप नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं ले सकते हो. और नेगेटिव रियल नंबर्स गामा फंक्शन इज नेवर डिफाइंड. वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइंड हो सकता है, बट नेगेटिव रियल नंबर्स पे वो डिफाइन नहीं हो सकता. आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज करने वाला है. ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रूव करेंगे ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग. गामा ऑफ एक्स प्लस वन जो है, हमने गामा ऑफ एक्स क्या है पता है? ये जो गामा ऑफ एक्स प्लस वन है ना, वो गामा ऑफ एक्स के साथ रिलेट करता है बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स गामा ऑफ एक्स. अगर आपने गामा ऑफ एक्स प्लस वन ढूंढना है तो इट इज एक्स टाइम्स गामा ऑफ एक्स. मतलब कि अगर आपको गामा ऑफ एक्स पता है और अगर आपको गामा ऑफ एक्स प्लस वन ढूंढना है तो आप इस प्रॉपर्टी से यूज करके कर सकते हो. सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना नहीं, हमारा काम होगा कि इस चीज को प्रूव भी करना है. ठीक है, तो प्रूफ करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड तक जाना है. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो इट इज गामा ऑफ एक्स प्लस वन. ठीक है, तो अभी गामा ऑफ एक्स जो है, अब मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पे. गामा ऑफ एक्स क्या था? तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस ए सॉरी ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी. अब उसी हिसाब से अगर मैंने एक्स प्लस वन को लिखने की कोशिश की तो ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस टी एज इट इज टी एज इट इज. एक्स होता है तो एक्स प्लस वन है, अगर एक्स प्लस वन है तो ऊपर एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन रख दिया तो प्लस वन एंड माइनस वन कैंसल आउट हो गया. ये गामा ऑफ एक्स प्लस वन का डेफिनेशन सही लग रहा है सबको? यस ओके, सो नाउ मैं थोड़ा वेट करता हूं. मैं अभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन एंड पेपर लो और ये जो राइट हैंड साइड है ना, उसको यूवी रूल लगा के दो मुझे. ठीक है, यूवी रूल लगाओ और मुझे बताओ क्या जो चीज चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, टेक सम टाइम, राइट हैंड साइड पे यूवी रूल लगाओ. यू किसको लोगे, वी किसको लोगे, आप लोग सोचोगे, बट आंसर आता है कि नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो रिक्वायर्ड है वो आता है कि नहीं वो मुझे बताओ. ठीक है, आई विल राइट इट, बट पहले आप लोग ट्राई करोगे.
वी इज इक्वल टू एक्स। आदर्श जी क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं समझा मुझे। अच्छा सब्स्टिट्यूट के बारे में सोच रहे हो आप? क्या कह रहे हो समझ नहीं रहा मुझे। आई डिडंट गेट वो। आदर्श जी जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वी इज इक्वल टू एक्स नहीं समझा मुझे। टेकिंग ना 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 सब्स्टिट टेकिंग एक्स एस वी। नहीं, यू इन टू वी लेना है डियर। सो देखो लेट रूल याद है ना, यानी कि ये जो होगा ना ये दिस विल बी योर वी पूरा, और ये जो है वो होगा आपका यू, फिर यू इन टू वी रूल लगाना, ठीक है? ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करने वाला है। अगर आप v इज इक्वल टू x लोगे ना तो इट इज लाइक चेंजिंग x विथ v, इट डजंट चेंज एनीथिंग, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आपको u इनटू v जो था ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वैसा वाला लेना है, ठीक है? सो दिस इज u दिस इज v। समझा आदर्श जी मैंने क्या क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना, यानी कि वो u इनटू v का फॉर्मूला होता है ना वो वाला लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी। लिएट रूल को यूज करके ई रेस टू माइनस टी जो है वो आपका वी हो गया और टी रेस टू एक्स जो है वो आपका यू हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी क्या होता है? तो इट इज फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये रहा फॉर्मूला जिसको आपको करना है यूज। एनीबडी? चलो 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 करें क्या हम लोग? ठीक है हम लोग देखते हैं। आदर्श जी जरा क्या करता है, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाता है। तो यू एज इट इज सो टी रेस टू एक्स इंटीग्रल ऑफ वी, यानी कि ई रेस टू माइनस टी जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस वन, लिमिट रखेंगे 0 से इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी कि टी रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इट इज एक्स टी रेस टू एक्स माइनस वन। इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या है? तो इट इज ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाय माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन था डी टी। कोई बताएगा कि ये वाला चीज जो है वो क्या होने वाला है? गुड मॉर्निंग आदर्श पासवान जी, फर्स्ट टर्म क्या होगा? ये टी रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस टी अपॉन माइनस वन जो है उसमें इंफिनिटी रखो फिर जीरो रखो, आउटपुट क्या आएगा लिमिट रखने के बाद? एक बार पहले इंफिनिटी रखोगे फिर माइनस करके जीरो रखोगे टी की जगह पे। अंडरस्टैंड वन थिंग, टी इज द वेरिएबल, एक्स जो है वो हमारा गामा का इनपुट है, यानी कि वो अभी फिक्स नंबर होने वाला है। सो टी इज द वेरिएबल। हाँ जी फर्स्ट वाला क्या आएगा लिमिट रखने के बाद? चलो चलो माइनस वन। ओके तहसीन जी को लग रहा है माइनस वन, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है उनको लग रहा है माइनस वन होना चाहिए। एक बार हम लोग रख के देखते हैं। ओके टू स्टूडेंट्स आर फीलिंग कि पहले वाले को सिंपलीफाई करने पे माइनस वन आएगा। तो तहसीन जी पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस इनफिनिटी रखता है, ठीक है? सो ई रेस टू माइनस इनफिनिटी क्या होगा? ई रेस टू माइनस इनफिनिटी क्या होगा? पहले अगर मैंने माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी रखूंगा तो ई रेस टू माइनस इनफिनिटी होगा ना?
ई रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या होगा? इट शुड बी जीरो, ठीक है। तो ये जो है ये जीरो हो जाएगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि सर अगर आपने टी की जगह पर इंफिनिटी रख रहे हो तो टी रेस टू एक्स का क्या होगा? टी रेस टू एक्स जो है वो इतना फास्ट इंफिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं करेगा जितना फास्ट टी रेस टू इंफिनिटी जीरो की तरफ करने वाला, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां पे होने क्या वाला है, अगर आप टी रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस टी, ये माइनस में जो है, अगर यहाँ पे अगर आप इंफिनिटी रखते हो, यहाँ पे मैं बॉक्स में लिखता हूँ, अगर आप इसके अंदर इंफिनिटी रखते हो टी की जगह पर, तो होगा क्या, ये हो जाएगा इंफिनिटी रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस इंफिनिटी। ये जो है वो जीरो की तरफ ज्यादा फास्ट मूव करने वाला है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ई रेस टू इंफिनिटी है ना, ई का जो एक्सपोनेंशियल पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर सबसे ज्यादा फास्ट मूव करने वाला, तो इसीलिए ये जो है वो जीरो बन रहा है ना। ये इंफिनिटी इंटू जीरो इज नॉट डिफाइंड, बट सिंस ई रेस टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस इंफिनिटी मोर प्रिसाइजली ये जीरो की तरफ ज्यादा फास्ट मूव करने वाला, इसीलिए इंफिनिटी का जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जीरो हो रहा है, सबको समझ रहा है कि ई रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो हो रहा है। एंड इफ यू डोंट गेट दिस तो मुझे क्या करना चाहिए पता है, मैं वापस से बोलता कि लॉपिटास रूल लगा दो, आंसर जीरो आ जाएगा। You can keep applying L'Hopital's rule and you can get the answer to zero at some point, है ना? जैसे कि हम लोग ने वो proof में किया था ना, वैसा ही। It is infinity by infinity actually, but फिर क्या होगा? आप L'Hopital's rule लगाओ, वापस से लगाओ, वापस से लगाओ, फिर एक time आएगा जब x minus t का जो power है ना वो negative हो जाएगा और answer zero आ जाएगा, ठीक है। समझ रहा है ये zero कैसे लिखा हमने? बिकॉज यही शायद से वो पॉइंट है जहां से स्टूडेंट मिस्टेक करके आंसर ला रहे हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी रखने पे ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी रेस टू एक्स है, लेकिन वो इतना फास्ट मूव नहीं करेगा जितना एक्सपोनेंशियल करेगा, इसलिए आंसर जीरो आ रहा है। फिर अगर मैंने जीरो रखा तो इट इज जीरो रेस टू टी ई रेस टू जीरो डिवाइडेड बाई सॉरी ई रेस टू जीरो रेस टू सॉरी 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 मैं ये एक्स है अब सही है माइनस वन, ठीक है। अब जीरो रेस टू एक्स क्या होता है आप लोग मुझे बता देना बाद में। अब मैं क्या करता हूं, ये एक्स जो है वो कांस्टेंट है, ये माइनस वन एक कांस्टेंट है, तो उसको मैं सिर्फ बाहर लिखता हूं। सो एक्स अपॉन माइनस वन मैंने बाहर लिया, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी टी रेस टू एक्स माइनस वन ई रेस टू माइनस टी डी टी। अब ये पहला वाला ब्रैकेट क्या होगा? Now this first bracket is same as what? Zero minus zero raised to x e raised to zero upon minus one. It should be zero because zero raised to x is zero. E raised to minus one तो one होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये minus और ये minus plus हो चुका है x integral zero to infinity t raised to x minus sure. one. e raise to minus t dt, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? हम लोग ने स्टार्ट किया था इससे। अभी अभी हमें मिला क्या? इट इज सेम एज x इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raise to minus t t raise to x minus 1 dt। हां जी आदर्श जी, पूछे ना पूछे ना पूछे ना सर। सर u इंटू v रूल अप्लाई करते हुए हम लोग ने ये कंसिडर किया, फॉर्मूला लगाते समय u इंटीग्रेशन v हमने अप्लाई किया, तो सर तो सिर्फ v पे है तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट u के लिए भी क्यों कर रहे हैं सर? सब्स्टिट्यूट नहीं, अच्छा 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 यहाँ पर ये वाला समझ रहे हो ना, ये वाला यस सर। पर जीरो और इन्फिनिटी दोनों को क्यों लगाया, यही डाउट है ना? हाँ सर, ये जीरो और इन्फिनिटी जो दोनों लिमिट है सर वो सिर्फ e raise to minus t upon minus 1 पे लगना चाहिए ना सर, t x t raise to x पे नहीं लाना। मैं समझ गया, ये डाउट मुझे भी रहता था। कोई बात नहीं है, ये जो है ना ये मैं आपको है ना हमारा वाला बता देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने एस वाई बी एस सी में मैंने भी पूछा था अपने प्रोफेसर को कि ऐसा क्यों होता है, तब उन्होंने मुझे कहा कि फॉर्मूला ही यही है,
कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना तब दोनों को साथ में करना है, बट मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता दूंगा कि उसका रीजन क्या है, इफ आई कुड शो यू। आदर्श जी वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। हम लोग ने, हमारा जो यूनिट नंबर 2 चलता था ना, तब हम लोग ने किया था, क्या किया था, तो हम लोग ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट सीखा था शायद से, टाइप ऑफ इनप्रॉपर इंटीग्रल। मैं आपको वो फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देना चाहूंगा कि भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट जो है वो कैसे किया था हमने और वो कैसे काम करता है। आई डोंट नो कि कौन सा वाला लेक्चर है, बट ये अच्छा चीज है, 9 जुलाई को था। बट डियर आई वॉन्ट, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये क्या, आर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट टू दिस, नो 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 भाई, ये रहा ये रहा। इफ यू ऑब्जर्व दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला एक्चुअली जो हम लोग काम करता है। जब कभी भी आप इंटीग्रेट करते हो ना, तब वो जो लिमिट होता है वो दोनों पे लगता है, एक पे नहीं लगता है। ये डाउट क्यों आता है पता है, ये डाउट क्यों आता है, बिकॉज अब तक जब हम लोग कॉलेज में भी यू इंटू वी लगाते थे ना, तब क्या होता था, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, एफ इंटू जी हम लोग दोनों के ऊपर लिमिट लगाता है। सो प्रोडक्ट जो होता है ना उसके पूरे के ऊपर लिमिट लगता है। हम लोग को क्या आदत था ना, जब लिमिट नहीं लगाते थे ना, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही आदत था कि अगर हम लोग इंटीग्रल ऑफ वी करके वहां पे लिखते तो लिमिट सिर्फ वी पे लगना चाहिए, बट दैट इज नॉट राइट। लिमिट शुड बी अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ देम। हम लोग ने इसको प्रूव भी किया है, बट आज मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर है वो, पता नहीं, मीन वैल्यू थियरम उसका प्रूफ जो था वहां से मैं बता सकता था, बट ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बेटर है कि मैं लिख के ही बता दूं आपको, आज के लेक्चर के अंदर लिख के ही मैं आपको बता देता हूँ। आदर्श जी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कंक्लूड कर लेने दीजिए, फिर मैं आपका जो फॉर्मूला ना वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। सो एक ही चीज लाइन लिखना है एक्चुअली, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, ये जो है वो क्या है कोई बताएगा, दिस इज सेम एज गामा ऑफ एक्स, यस और नो? ये जो चीज मैंने अभी मार्क किया, इट इज सेम एज गामा ऑफ एक्स, यस। सो दिस इज गामा ऑफ एक्स, तो हमारा रिजल्ट हो चुका है। अब आदर्श जी का जो डाउट है ना वो मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूंगा, कि अगर सपोज हमारे पास है इंटीग्रेशन ए टू बी यू वी देन dx, सपोज वेरिएबल है dx, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वी, और जो लिमिट इसके अंदर होता है वो यहां पर लिखते हैं dx dx a b। अब वो डाउट क्यों आता है पता है, बिकॉज हमें लगता है कि भाई ये जो चीज है वो इतने के अंदर है तो लिमिट इतने में ही लगाना है, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस चीज का क्या होगा पता है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी यू, मैं यहाँ पे कुछ तो और नोटेशन लिखना चाहूंगा, जैसे कि आई विल राइट स्क्रिप्टेड वी, बट द स्क्रिप्टेड वी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वी दिस थिंग एट बी माइनस यू एट ए यू, यहाँ पे यू नहीं, स्क्रिप्टेड ए, स्क्रिप्टेड ए माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी यू डैश इंटीग्रल वी डी वी। अगर आप इस फॉर्मूला पे ध्यान दोगे तो आपको सही से समझिएगा कि करना क्या है, ठीक है। आपको जो डाउट है ना वो बहुत ही नेचुरल सा डाउट है, बट इशू क्या हो रहा है पता है, हम लोग ये सोचते कि लिमिट यहाँ पे रखना है, दैट इज रॉन्ग। लिमिट एक्चुअली दोनों पे रखा जाता है। अगर आपको चाहिए ना तो आप इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया है, आई थिंक जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे ना, तब हम लोग ने इस चीज को प्रूव भी किया था, और एग्जाम के अंदर आई थिंक एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, यस सर नो, यस सर था ना। तो देखो इस तरीके से करो, और इसका ना अगर आपको अभी भी लगता है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला का प्रूफ था ना उसको एक बार देखो, अगर नहीं होता ना तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, तो हम लोग है ना इसको बैठ के सॉल्व करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अभी के लिए मैं कहूंगा कि इस फॉर्मूला को देखिए
और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो प्रूफ है ना उसको देखो कि ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं प्रूफ भी इजीली, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस तरीके से ध्यान रखेगा हर कोई कि जब कभी भी हम लोग लिमिट वाला इंटीग्रेशन करते हैं तब लिमिट जो है वो यू इंटू वी, यानी कि यहाँ पर लिमिट इंटीग्रेशन लेने के बाद दोनों पे लगता है, सिर्फ वी पे नहीं लगाना है, ठीक है। और उसका प्रूफ के अंदर उसका अच्छा खासा रीजन है, एक बार रीड करोगे तो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, नहीं मिलने पर आई एम देयर, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द सोर्स टू रीड फर्स्ट एंड इफ यू डोंट गेट फ्रॉम द सोर्स आई एम देयर, ओके। अभी अभी लेकिन हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया सी चीज प्रूव की, दैट इज नथिंग बट गामा ऑफ एक्स प्लस वन इज सेम एज एक्स टाइम गामा ऑफ एक्स। अब इसका यूज करके हम लोग गामा फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं आपसे कहूंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ वन। पहले गामा ऑफ वन फाइंड आउट करके दीजिए, गामा ऑफ वन क्या होगा। तो मैं वापस से वही करूंगा कि मैं चाहूंगा कि हर बच्चा हर बार इस फॉर्मूला को देखता रहे। सो इट इज इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी। तो इस हिसाब से अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर रखू तो मुझे क्या मिलेगा, देन आई विल गेट इट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी डी टी। यस सर नो, ये सही लिखा है मैंने गामा ऑफ वन। इसको भी सॉल्व करके आंसर आपको देना है कि आउटपुट क्या होगा, बट ये इंटीग्रेशन सही है। गामा ऑफ वन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला सही है, एक्स की जगह पे वन रखने पे ये मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ई रेज टू माइनस टी का इंटीग्रेशन करो, फिर इन्फिनिटी और जीरो लिमिट रखो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। इट इज जीरो या फिर वन। आदर्श जी राइट है, साहिल जी राइट है, प्रभादास जी राइट है, नयन जी और एक बार ट्राई कीजिए और एक बार देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। जिनको भी कोई और आंसर आ रहा है प्लीज लिखो चैट बॉक्स में, बिकॉज वन इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। कैसे मिला होगा उनको, तो इट इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाई माइनस वन, लिमिट रखना है एक बार जीरो एक बार इन्फिनिटी। वेरी गुड, सो वन इज द करेक्ट आंसर एज सच। फिर इन्फिनिटी एक बार रखेंगे एक बार जीरो रखेंगे, अगर मैंने इन्फिनिटी रखा तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई माइनस वन, बीच में आता है माइनस, ई रेज टू जीरो अपॉन माइनस वन, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई रेज टू जीरो वन हो गया, सो द आंसर आ गया वन। ई रेज टू जीरो वन होता है, आई थिंक नयन जी ने वहां पे कुछ मिस्टेक किया और ई रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो होता। नयन जी आंसर वन आया, यस सर। सो व्हाट वी फाउंड इज गामा ऑफ वन जो है वो वन आया। सो बाय यूजिंग दिस कोई मुझे बताएगा कि गामा ऑफ टू क्या होगा। बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ गामा वन एंड बाय यूजिंग द अबाउ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को देखिए, एडिशन गलत हो गया, ओके कोई नहीं जी। अब गामा ऑफ टू का वैल्यू ढूंढना है बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, इट विल बी वन। वेरी गुड आदर्श जी, वेरी गुड। सो गामा ऑफ टू को कैसे लिखोगे, तो इट इज गामा ऑफ वन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन प्लस वन ना, तो ये क्या होता है एक्स गामा ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, तो दिस इज नथिंग बट एक्स, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट द एक्स, सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज वन टाइम्स गामा ऑफ वन एंड दैट इज नथिंग बट वन। वेरी गुड। सो सिमिलरली गामा ऑफ थ्री क्या होगा, व्हाट इज गामा ऑफ थ्री। सॉरी
सॉरी, यस इट इज टू। कैसे मिला होगा इनको? तो उन्होंने किया गामा ऑफ 2 + 1 दैट इज सेम एज, तो यहाँ पे एक्स क्या है, तो ये हो गया एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स गामा ऑफ 2, दैट इज समथिंग बट 2 टाइम्स 1 एंड दैट इज समथिंग बट 2। सिमिलरली गामा ऑफ 4 का वैल्यू बता दो कोई मुझे। अगर आप देखो एग्जाम के अंदर सपोज पूछा है गामा ऑफ 3, अगर आप फॉर्मूला में डाल के सोचोगे तो फिर दिन रात एक करो, ठीक है? समझ रहे हो डिफरेंस? हर एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कैसे करना है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा गामा का कुछ वैल्यू, तो फॉर्मूला नहीं जाना है, प्रॉपर्टीज यूज करना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्रभात दास जी इट इज 6, अकॉर्डिंग टू आदर्श इट इज 3। लेट्स सी कौन सा करेक्ट आंसर है। आदर्श जी एक बार चेक करो 3 सही है कि नहीं है। प्रभात दास जी आप सही हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदर्श जी एंड एवरीबडी टू चेक आंसर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर कोई चेक करेगा आंसर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस आंसर 6 आ रहा है गामा 4 का। गामा 4 को कैसे लिखोगे? यू राइट एट गामा ऑफ 3 + 1, यस इट इज 6। वेरी गुड अंजलि जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो इसको आप लिखोगे गामा ऑफ 3 + 1, वापस से एक्स का वैल्यू ये है, सो इट इज 3 टाइम्स गामा ऑफ 3। गामा ऑफ 3 जो है वो हमें मिला था 2 × 1, सो इट इज 3 × 2 × 1 = 6। कोई मुझे बताएगा गामा ऑफ 5 का वैल्यू फटाफट? इट वुड बी 24। वेरी गुड प्रभा दास जी, आप समझ रहे हो क्या करना है। सो इट इज नथिंग बट दिस 4 टाइम्स गामा ऑफ 4, सो इट इज 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है? तो वापस से वही की ये हो गया। अब सपोज मैं आपको ऐसे 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 पकाते गया और मैंने आपको बोला कि भाई गामा ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, तो क्या दोगे आंसर आप मुझे? यू हैव टू जनरलाइज द अबाउ आइडिया। नयन जी ऊपर के जो आंसर्स है ना, यू आर क्लोज बोथ ऑफ यू, नंदिनी जी एंड नयन जी, यू बोथ आर क्लोज बट जनरलाइज इट करेक्टली। हीरालाल जी छोटा सा मिस्टेक है, ऊपर का फॉर्मूला ये पकड़े हो प्रभात दास जी, ये पकड़े हो है ना, n-1 फैक्टोरियल आ रहा है। हर कोई ध्यान से देखिएगा, अगर 2 था तो 1 फैक्टोरियल आया, 3 था तो 2 फैक्टोरियल आया, 4 था तो 3 फैक्टोरियल आया, 5 था तो 4 फैक्टोरियल आया। तो अगर n है तो n-1 फैक्टोरियल आंसर है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछू गामा ऑफ n+1 क्या होता है, तो वो होता है n फैक्टोरियल। देयरफोर गामा फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन सॉरी भाई जेशन ऑफ फैक्टोरियल। हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है उसको अगर आप जनरलाइज करोगे ऑन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर तो आपको मिलता है गामा फंक्शन, ठीक है? तो ये गामा फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ते थे, जब हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते थे ना तब हम लोग गामा फंक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारा डोमेन बढ़ गया है, अब हर किसी रियल नंबर के लिए हम लोग फैक्टोरियल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? और उसी को हम लोग कहते हैं गामा फंक्शन, ठीक है? हर किसी को समझा? हर
हर कोई याद रखेगा कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज सेम एज एन फैक्टोरियल, गामा ऑफ एन इज सेम एज एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बाय इंडक्शन. ठीक है, हम लोग ने इंडक्शन ही किया ना, वन के लिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे चलते रहे, फिर एन के लिए जो होगा उसको यूज करके एन प्लस वन के लिए आपको एन फैक्टोरियल मिल जाएगा. ठीक है, सो बाय यूजिंग इंडक्शन इट इज इजीली शोन दैट गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल. ठीक है, इसीलिए गामा फंक्शन को फैक्टोरियल फंक्शन का जनरलाइजेशन कहा जाता है. ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर सपोज पूछा जाता है कि गामा ऑफ एट क्या है, तो क्या फॉर्मूला से जाओगे कि ये इस प्रॉपर्टी से जाओगे? प्रॉपर्टी से जाना है. ठीक है, अगर वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूला रखोगे तो दिन रात एक हो जाता है. ठीक है, सो दिस आर द टू ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा फंक्शन. बट आगे बढ़ेंगे, और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको खत्म भी करेंगे. ठीक है, आज एक छोटा सा चीज है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे. हम लोग को गामा ऑफ इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर पता चल गया, इंटीजर नहीं कहूंगा बिकॉज नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं है, तो हमें गामा ऑफ नेचुरल नंबर पता चल गया है ना, गामा ऑफ एन प्लस वन इज सेम एज एन फैक्टोरियल. इनपुट अगर एन प्लस वन है तो आंसर इज एन फैक्टोरियल व्हेन एन इज एनी नेचुरल नंबर. अब हम लोग, हमारा टास्क होगा कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गामा ऑफ हाफ. ठीक है, सो अब हमारा क्वेश्चन ये बना देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ हाफ. ठीक है, अगर मुझे पता है कि वो रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है, तो देर आर सम पर्टिकुलर इनपुट जहां पे गामा फंक्शन का आउटपुट एक स्पेशल नंबर है, इसीलिए हम लोग उन नंबर के ऊपर बात करते हैं. जैसे कि नेचुरल नंबर के ऊपर आउटपुट कितना स्पेशल है, फैक्टोरियल, उसी तरीके से हाफ के ऊपर भी आउटपुट थोड़ा स्पेशल है. इसीलिए हमारा टास्क होगा कि हम लोग इसको फाइंड आउट करें. ठीक है, सो गामा ऑफ हाफ, फर्स्ट ऑफ ऑल गामा ऑफ हाफ का इंटीग्रल डेफिनेशन होगा इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू माइनस हाफ डी टी. यस सर नो, ये सही है कि गलत है मुझे बता देना. बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गामा इंटीग्रल, गामा ऑफ हाफ का इंटीग्रल ये होगा. ओके, सो अब थोड़ा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है. ठीक है, हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाला है. ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देयरफॉर माई डी टी जो होगा दैट इज सेम एज टू एक्स डी एक्स, देयरफॉर डी टी डिवाइड बाई, यहां से मुझे क्या पता चलेगा, यहां से आई विल फाइंड आउट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ टी, सो दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी एक्स. एक्स की जगह पे व्हाट आई विल राइट इज डी टी डिवाइड बाई, एक्स की जगह पे मैं रूट टी लिखूंगा इज इक्वल टू टू टाइम्स डी एक्स. मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस टी वन बाई रूट टी डी टी. और अब अगर आप देखोगे ये जो पार्ट है उसका रिप्लेसमेंट मुझे यहां से मिल जाएगा, करेक्ट, और t की जगह पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर. लिमिट के बारे में कोई मुझे बताओ, अगर t का लिमिट जीरो टू इंफिनिटी है तो x का लिमिट क्या होगा? इफ टी का लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी देन एक्स का लिमिट क्या होगा? इट शुड बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. यस, व्हाट अदर्स फील अबाउट दिस, कि एक्स जो है उसका डोमेन क्या होगा? अगर टी का वैल्यू इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, देयरफोर
माई गामा ऑफ हाफ कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके, थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ बिकॉज हाँ अब सही है. यस, सो ये हो गया ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वेर. ये जो पार्ट था वो तो बन गया टू टाइम्स ऑफ डी टी. ठीक है, इसके बाद अभी भी हमें बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना है. ठीक है, उसको भी करते हैं फिर. अगर मेरा टी का वैल्यू इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी देन टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर शुड बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एंड हेंस इट शुड बी एक्स का रेंजेस. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यस 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 यस, इट शुड बी डी एक्स. मैं यहाँ पे लिमिट सिर्फ दिख रहा था तो उस चक्कर में ये हो गया. ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करें या फिर उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिफाइन कर दूं. बिकॉज मैं क्यों सोच रहा हूँ पता है, मैं क्यों पॉज हो रहा हूँ, बिकॉज व्हाट आई सी कि इफ आई हैव टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे आई विल हैव प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी, है ना. प्लस आंसर भी हो सकता है, माइनस आंसर भी हो सकता है. सो दैट इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ एरर फॉर अस बिकॉज दोनों आंसर पॉसिबल है. स्क्वायर रूट अगर लोगे तो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एरर आ रहा है उसको कैसे निकाला जाए. तो हम लोग है ना थोड़ा चेंजेस लाते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल आंसर है एक्स के. एक्स कैन बी प्लस रूट टी ऑल्सो एंड माइनस रूट टी ऑल्सो. तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन में हमें प्लस रूट टी की जरूरत है. तो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या होता है. ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं. हम लोग क्या सोचते हैं कि वी सब्स्टिट्यूट प्लस रूट टी इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो अब हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया कि रूट प्लस पॉजिटिव रूट टी उसकी जगह पे हम लोग एक्स रखेंगे. देन दिस विल डेफिनेटली गिव अस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना. तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करने पे फायदा हो रहा है हमें. यस, क्या फायदा हो रहा है कि वो जो इसको सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ रहे थे ना, तब क्या हो रहा था कि दैट टाइम हमें प्लस और माइनस में एरर आ सकता था, तो उसको हमने हटा दिया. अब ये जो एरर है उसके बारे में मेरे दिमाग में कैसे स्ट्राइक हुआ कि बाय लुकिंग एट द लिमिट. ये जो लिमिट है वो हमें ट्रबल कर रहा है ना. लिमिट जो है वो वाले सब्स्टिट्यूशन में और ये वाले सब्स्टिट्यूशन में आंसर अलग अलग देगा, है ना. बिकॉज यहाँ पे अब हम लोग ने क्या किया है, अब हम लोग ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी लिया है एज एक्स. तो अब एक्स का लिमिट क्या होगा? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ने पहले जो किया था और अभी किया, दोनों में फर्क क्या है. पहले हम लोग ने डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था. ये सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दिस सब्स्टिट्यूशन वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट टी. सो एक्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टी, इसीलिए हम लोग ने एक्स को पहले वेल डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ टी. तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा पॉजिटिव रूट टी इज इक्वल टू एक्स. और अब अगर हम लोग लिमिट के बारे में सोचेंगे कि अब एक्स का लिमिट क्या होगा, एक्स क्या है, तो इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी, है ना. तो अगर सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स जो है उसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा. यस और नो? सोच के बताओ, थोड़ा पॉज लेते हैं हम. थिंक अबाउट इट. कोई बात नहीं, स्टिल आई सी कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज पे डाउट हो सकता है.
हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो गामा ऑफ हाफ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग ने क्या सीखा, आज हम लोग ने स्टार्ट किया था, पहले तो बोला कि डिफाइनेशन को देखा एक बार, एक छोटा सा डाउट था किसी का फाइनाइट एंड कन्वर्जेंस का, वो हमने थोड़ा क्लियर किया। देन वी प्रूव्ड कि गामा ऑफ एक्स प्लस वन इज सेम एज एक्स टाइम्स गामा ऑफ एक्स फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ओके। सो दिस इज ट्रू फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन जीरो। देन वी प्रूव दैट कि गामा ऑफ वन वन होता है, और उसके बाद हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल, हेंस गामा इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट दैट वी लर्न टूडे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी डिवोटेड टू गामा ऑफ हाफ, ठीक है। तो गामा ऑफ हाफ के रिलेटेड जो भी चीजें हम लोग वापस से देखेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि हमने एरर किया है, तो दैट वाज अ गुड थिंग, बट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वापस गामा ऑफ हाफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क।